69 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी स्टार लाइफ में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं स्टार्स के लाइफ से जुड़ी उन खबरों के बारे में जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, करीब 3 से 4 महीने पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज यानी कि मौजूदा समय के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच एक विवाद हुआ था और वो विवाद हुआ था संदीप तिवारी की वजह से। दरअसल संदीप ने एक गाना गाया, कई लोगों ने कहा कि संदीप तिवारी के ऊपर पवन सिंह का हाथ है, जिसमें खेसारी को लेकर एक अलग तरह की टिप्पणी की गई थी, वो आपत्तिजनक टिप्पणी थी। वहीं कई लोगों ने कहा कि इसमें पवन सिंह का हाथ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ नाम लेकर अपने आप को आगे बढ़ाने वाली बात हो गई। कहीं ना कहीं ये विवाद इतना बड़ा, इतना ज़्यादा तूल मची, कई फ़ोन रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई, कई तरह की चीज़ें वायरल हुई, पवन सिंह और खेसारी के बीच का झगड़ा जो है वो सबके सामने आया और कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को ये पता लग गया कि पवन सिंह और खेसारी के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। इस बात पर जब कई सितारों से पूछा गया, किसी ने प्रतिक्रिया देने से मना किया और भैया दे भी क्यों, क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी बड़े सुपरस्टार से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनके शुभचिंतक और इनके हमसफर, इनके सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव ने हाल ही में मीडिया को एक इंटरव्यू दिया। दरअसल दिनेश लाल यादव और निरहुआ जो हैं वो इन दोनों से सीनियर कलाकार हैं, दोनों को अपना छोटा भाई मानते हैं और जैसी उनसे उम्मीद थी आंसर की, वैसा ही आंसर उन्होंने किया भी। दरअसल उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि पवन और खेसारी के बीच जो विवाद है ये कैसे थमेगा, तो दिनेश लाल यादव जी ने सीधे तौर पर यही कहा कि ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, दोनों मेरे को बहुत प्यारे हैं, पवन और खेसारी दोनों के साथ मैंने बहुत काम किया है और दोनों के साथ मैं रहना भी पसंद करता हूँ। कहीं ना कहीं निरहुआ ने इस बात को साफ तौर पर किया कि ये चीज़ें जो हैं ये पवन और खेसारी को खुद समझनी पड़ेंगी। निरहुआ ने ये तक कहा कि उनको पता है कि अगर वहाँ पर विवाद होता है तो पवन और खेसारी जी को पता है कि किस तरह से इस विवाद से निपटना है, किस तरह से अगर कोई गाना बनाता है तो उस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देनी है। कहीं ना कहीं निरहुआ भी ये बताने में सक्षम साबित हुए और निरहुआ ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया पवन सिंह और खेसारी के बीच सब कुछ ठीक है, उनके बीच इस तरह का अगर विवाद होगा तो वो खुद जानते हैं कि इस तरह के विवादों को किस तरह से निपटा जाता है, किस तरह से इस तरह के विवादों को मतलब मना किया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने दिया सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी के बीच विवाद पर अपना एक खास इंटरव्यू। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और दर्शकों के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री का अनमोल नगीना कहा जाता है। इन दोनों की ही फिल्में जब भी सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं, दर्शकों का दीवानापन देखते ही बनता है और अक्सर ये दोनों ही सुपरस्टार सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर ये दोनों सुपरस्टार सुर्खियों में बने हुए हैं और इनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले सुपरस्टार पवन सिंह और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बीच एक फोन रिकॉर्डिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गाने को लेकर कई सारी बातें हो रही थी। ऐसे में इसी विवाद को तूल ना दी जाए, ऐसा सभी सुपरस्टार्स ने कहा था। वेल, सभी को इंतजार था कि इस विवाद पर भोजपुरी किंग दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ क्या प्रतिक्रिया देते हैं और निरहुआ की प्रतिक्रिया हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान देखने को मिली। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के इंटरव्यू में दिए हुए एक बयान में निरहुआ ने कहा कि पवन सिंह और खेसारी दोनों उनके छोटे भाई की तरह हैं और वो यही चाहते हैं कि इस विवाद को ये दोनों आपस में सुलझाएं, क्योंकि इंडस्ट्री के स्तर को बढ़ाने के लिए इन दोनों का एक होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दें कि निरहुआ ने बड़ी ही सरलता से इस जवाब को देते हुए कहा कि जो भी चीज़ें होंगी वो उन दोनों पर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से विवाद को सुलझाया जाता है और अपनी अपनी कामों में आगे बढ़ा जाता है। भाई वाकई शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री में इन तीनों ही सितारों को सबसे बेहतर सितारा माना जाता है, क्योंकि ये डिजर्व भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लड़ाई किसी के बीच है, किसी के बीच विवाद है, किसी के बीच प्रॉब्लम है, तो उस तरह की चीज़ों पर इन्होंने बाकी लोगों की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई गलत बात नहीं कही। पवन सिंह जी से भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि खेसारी मेरे भाई की तरह है, मैं उसके बारे में इस तरह की चीज़ें कभी नहीं बोलूँगा। खेसारी जी से पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि पवन भैया मेरे बड़े भाई के समान हैं, मेरे गार्जियन समान हैं, उनके खिलाफ मैं कभी कुछ नहीं बोल सकता। मुझे जो शिकायत है वो शिकायत ये है कि जो इस तरह के गाने बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी के इस विवाद पर निरहुआ ने तो अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही
अब पवन के छोटे भाई और पवन के सबसे बड़े शुभचिंतक कहे जाने वाले अरविंद अकेला और कल्लू ने भी काफ़ी सही तरीके से इस बयान को दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बात पवन भैया और खेसारी भैया की नहीं है, बात यहाँ पर है उस सितारे की जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इन सितारों का नाम लेकर। कहीं ना कहीं कल्लू ने भी यही बात कही, उन्होंने भी यही बात रखी कि भैया अगर आपको बढ़ना है, अगर आप ये आइडल हैं कोई, तो उस आइडल को इस तरह से इतना ना करें कि उन्हीं को बदनाम करके आपका नाम आगे नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी। कल्लू ने यह भी कहा कि पवन भैया भी उनके बड़े भाई के समान है और पवन सिंह के खिलाफ बोलना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने बोला कि पहली बार वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हालांकि उन्हें दुख काफ़ी हुआ कि अगर इस तरह का विवाद होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के दो बड़े स्टार्स जो है वो अगर इस तरह से लड़ते हैं, उनके बीच विवाद होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये मिलकर रहेंगे तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का स्तर जो है वो काफ़ी और ऊपर चला जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे कल्लू ने भी दिया जवाब जब पवन और खेसारी को लेकर उनसे किया गया सवाल। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री के दो अनमोल नगीने कहा जाता है। आपको बता दें कि इनकी फिल्में जब भी सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं, दर्शकों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है और अक्सर ये सुपरस्टार सुर्खियों में बने ही रहते हैं और इनके सुर्खियों में रहने की वजह भी खास होती है। इन दिनों एक बार फिर ये दोनों सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में रहने की वजह फिर से बनी है खास। दरअसल हाल ही में सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच फोन रिकॉर्डिंग के विवाद को लेकर कई सुपरस्टार्स की प्रतिक्रिया देखने को मिली। आपको बता दें कि एक गाने को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हो गया था और इन दोनों की दुश्मनी खुलकर सबके सामने आ गई थी। हालांकि बाद में इस विवाद को काफी दबा दिया गया और पवन और खेसारी ने काफी अच्छे से इन चीजों को हैंडल किया। लेकिन इस विवाद पर एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने कहा कि सुपरस्टार पवन सिंह उनके बड़े भाई की तरह हैं और पवन सिंह को बदनाम करके अगर कोई भी कोशिश करता है कि वो आगे बढ़ जाएगा तो ये बात गलत है। कल्लू ने यह भी अपील की कि ये स्टार्स काफ़ी मेहनत करके पहुंचे हैं और इनकी मेहनत पर इस तरह को अगर आप बदनाम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात गलत साबित हो जाती है। वह आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बीच अब सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधते हुए नजर आए थे बीते दिनों। तो देखा आपने किस तरह कल्लू ने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया आप वो पवन भैया के साथ हैं, भले खेसारी को सपोर्ट नहीं करते लेकिन उन्होंने खेसारी के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भैया इस तरह के गानों को नहीं बनना चाहिए, इस तरह के गानों को गाकर आप खुद जो है वो बदनाम होने की बात तो करते ही हैं और साथ में स्टार्स को भी बदनाम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर रिलेटेड है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से रिलेटेड। दरअसल खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। इनकी फिल्में जब भी सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं, दर्शकों का एक हुजूम उमड़ पड़ता है, उनका जनसैलाब उमड़ पड़ता है, उन्हें दर्शक काफी पसंद भी करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस खेसारी की कमाई के बारे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल खेसारी करीब एक फिल्म करने के करीब 45 से 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और इसके साथ साथ उस साल में अगर 5 फिल्में भी करते हैं तो 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। उसके बाद अब ऐड से भी अच्छी खासी कमाई करने लगे हैं। एक ऐड के करीब 80 से 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं खेसारी लाल यादव। उसके बाद अगर बात करें एल्बम्स की या त्योहारों पर निकलने वाले एल्बम्स की, तो उन एल्बम से करीब खेसारी लाल यादव एक साल में 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। इस तरह खेसारी लाल यादव सालाना 15 से 17 करोड़ रुपए तक की कमाई करते हैं। कहा यह भी जाता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा घर इंडस्ट्री में अगर किसी के पास है तो वो खेसारी लाल यादव के पास है, क्योंकि मुंबई में इंसान दो ही चीज़ों के लिए तरसता है, रोटी कपड़ा और मकान। तीन चीज़ों को कमाने में सक्षम हुए हैं, मुंबई में अपना घर ले लिया है और कहीं ना कहीं अब खेसारी का जो ये रोल कॉल है ये दर्शकों को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे कमाते हैं खेसारी लाल यादव इतना पैसा एक साल में। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का चहेता सितारा माना जाता है। उनकी फिल्में जब भी सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं, फैंस और दर्शक फिल्म को देखने के लिए बेकाबू हो जाते हैं और अक्सर खेसारी लाल यादव सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको खेसारी की एक साल की कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक खेसारी एक फिल्म के लिए करीब 55 से 60 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, जिससे साल भर में उनकी कमाई 7 से 8 करोड़ के बीच हो जाती है।
इतना ही नहीं, खेसारी एक स्टेज शो करने के करीब 11 लाख रुपए लेते हैं, जिस हिसाब से वो एक साल में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। वहीं अगर खेसारी के एल्बम्स की बात की जाए तो खेसारी लोकगीत, छठ और त्योहारों पर निकले एल्बम से करीब 1 से 2 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। अब तो खेसारी एड से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिसमें वो एक एड के करीब 70 से 80 हजार रुपए तक की कमाई करते हैं। इस हिसाब से खेसारी एक साल में करीब 15 से 17 करोड़ रुपए के बीच की कमाई करते हैं। तो देखा आपने किस तरह खेसारी लाल यादव जो है वो पैसा कमाते हैं और साल भर में कितनी कमाई कर लेते हैं, करीब करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। तो दोस्तों, इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी की लड़ाई के विवाद को लेकर बोले, पहली बार बोले निरहुआ और उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से बयान भी दिया। उसके बाद कल्लू ने भी इस विवाद पर काफ़ी शानदार तरीके से अपनी बात को रखा। उसके बाद जिस तरह से जो खेसारी लाल यादव की सालाना कमाई के बारे में बताया गया वो भी काफ़ी शानदार था। तो इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स की लाइफ से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।